आइए आपको हम दिखाते हैं यहाँ का हर रूम। तो चलिए आपको हमारा घर जो कि आर्ट गैलरी के रूप में है दिखाते हैं। तो वैसे बाबू जी का नाम के बारे में एक विख्यात कलाकार के रूप में हमको ज़्यादा भूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये झारखंड के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार के रूप में रहे और झारखंड सरकार की तरफ से बहुत सारे उनको अवार्ड मिले और इसका एक पढ़ाई में कोर्स में बाबू जी का नाम भी दर्ज कर दिया गया, जो कॉम्पिटिटिव ई में एग्ज़ाम में भी JPSC में भी इनके नाम से क्वेश्चन आया। और इस तरह से ये घर हमारा पूरा पेंटिंग एक आर्ट गैलरी के रूप में है, जिसको हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं। आइए देखिए, कुछ बाबू जी का स्टूडेंट के द्वारा पेंटिंग किया हुआ और ड्राइंग किया हुआ स्केचेस है यहाँ पर, कुछ पिताजी का पुराना पेंटिंग्स है, कुछ क्राफ्ट वर्क है, कुछ बहुत ही लाइट वेट में फैब्रिक पेंट किया हुआ है, कोलाज है, और ये सब में कुछ पुराने स्टूडेंट की यादों के रूप में आर्ट स्कूल का इतिहास इसमें है। और यहाँ कुछ वाटर कलर है, फैब्रिक कलर वाटर कलर है, चूँकि नेचर से बाबू जी और ये आप देख रहे हैं पेंटिंग सब और कुछ स्केचेस हैं स्टूडेंट के द्वारा बना हुआ, पेंट से है, पेंसिल से है, इस तरह बहुत ही बाबू जी की पुराना ये एक ग्लास पेंटिंग है और कुछ वेस्टर्न सामान से यूज़ किया हुआ पेंटिंग सब है। ये एक बहुत पुराना हम लोग का एक आर्ट स्कूल का इतिहास है, जो इस घर में एक समय 18 अगस्त 1988 में ये इसकी ओपनिंग हुई थी, इसकी शुभारम्भ हुई थी। उस समय जहाँ खड़े हैं ये उस समय कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ करता था और सब बहुत तरह के स्टूडेंट लोग हैं इसमें और पुराने यादें फोटोग्राफ्स हैं। ये मेरा बेटा सुजीत रॉय, ये भी बहुत तरह का कलाकारी करता है, एक कलाकारी आपको दिखाने वाला है, दिखाइए। देखिए ये टॉर्नेटो बना के दिखा रहा है, पुराना है बाबू का, ये बहुत पुराना काम किया हुआ है। और ये हम लोग का पूजा घर है, जहाँ माँ हमेशा पूजा करते रहती थी इसी पूजा में। अब आपको हम इस रूम के बारे में बताएं, इस रूम को हम लोग आर्ट रूम के नाम से बोलते हैं, इस रूम में जब भी जाना होता है तो आर्ट रूम करते हैं। आइए, यहाँ पर बाबू जी बैठते थे, यहीं पर पेंटिंग वेंटिंग करते थे और यहीं पर उनका पेंटिंग का कलेक्शन, अलमारी और ये सब सब कुछ क्रिएटिव उनका यहीं पर। हर चीज़ वो सजा के रखते थे और सजावट के साथ उनका एक अलमारी भी होता था, अपने ढंग से सजा के रखते थे। इसमें कुछ स्टूडेंट का भी पेंटिंग है, जैसे देखिए ये दोनों स्टूडेंट के द्वारा किया हुआ है, ये सब शिक्षक दिवस में प्रेजेंट किया हुआ है। और एक ये पेन से, ब्लैक डॉट पेन से बाबू जी का पोर्ट्रेट किया हुआ है। देखिए ये ग्लास पेंटिंग है, ये अलमारी में जनरली ग्लास लगा हुआ है, ये पीछे से ग्लास के पीछे से बनाया जाता है। और कुछ यहाँ का पेंटिंग देखिए, ये सब पुराना पेंटिंग है, 78 का पेंटिंग है ये सब, ये सब बहुत पुराना पेंटिंग हमारे यहाँ है। चलिए छत की ओर चलते हैं और सीढ़ी से पहला हम लोग का इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू है, कुछ स्कल्पचर है, वही बाबूजी अपने समय समय में जब जब उनको समय मिला वो बनाए हैं स्कल्पचर, इनको बहुत इस काम में मन भी लगता है, बहुत सारा सजाए हुए हैं उनके चलते, क्योंकि घर बहुत देखिए इसमें कुछ यहाँ पेंटिंग टंगे हुए हैं जो एक्रेलिक के हैं और विभिन्न मीडिया से बने हुए हैं, कुछ थर्मोकोल में कागज से हुए, कुछ चार्ट पेपर में बने हुए हैं, कुछ यहाँ पर पुराने वेस्टेज कागज थे, पाइप थे, उसको देख के डेकोरेट करके उसमें पेंटिंग किए हुए हैं। कोटिंग्स वर्क है, कोटिंग्स दीवार में वो बनाते थे इस तरह के, और कुछ फिगरेटिव वर्क भी वो किया हुआ है। ये हम लोग का गार्डन है, ये हम लोग का गार्डन है छत में, और कुछ स्कल्पचर भी यहाँ पर रखे हुए हैं, कुछ कलात्मक सीढ़ी भी जोड़ के रखे हुए हैं और कुछ गार्डन का रोड।
ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा दीवार, इसमें भी बाबू जी पेंटिंग किया करते थे, जिसका अवशेष आज भी कुछ कुछ बचे हुए हैं और कुछ कुछ छूट गए हैं। हर 3 साल 2 साल बाद बाद यहाँ कुछ पेंटिंग बनाते थे। ये ठीक है, दीज आर नॉट, दे आर नॉट कंफर्टेबल, तुम लोग ऐसे बैठ के बाहर नहीं। अपने बच्चों को सिखाने जरूर लाइए। यहाँ पर जो ये कला जो बहुत पुराने इसे चल रहे हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें आप लोग भी शामिल होइए और इस कला को बढ़िया सीखिए। नमस्कार। उनकी हिंदी